नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं। ट्विटर बॉस इलॉन मस्क कुछ ट्विटर अकाउंट्स को वापस जिंदा करने के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि पिछले ट्विटर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गलत तरीके से प्रतिबंधित किए गए थे। ऐसे में पिछले वीकेंड में एक दर्जन से ज्यादा डोजकॉइन ट्वीटिंग अकाउंट्स को फिर से शुरू किया गया था। प्रतिबंधित अकाउंट्स के बारे में अपनी चिंता साझा करते हुए डोजकॉइन के फाउंडर बिली मार्कस ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोगों के अकाउंट्स का एक पूरा समूह, जहां तक मुझे पता है, आमतौर पर कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ट्वीट, मीम्स और पॉजिटिविटी को सस्पेंड किया जा रहा है। बहुत अजीब बात है, जिस पर रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क ने ये कहा कि वे इस मामले को देख रहे हैं। कुछ घंटों बाद एक अपडेट में मस्क ने कहा कि पिछली टीम स्पैम बॉट अकाउंट्स के सजेशंस को लेकर थोड़ी आक्रामक थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूयॉर्क ग्लोबल इनसाइट सर्विसेज ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट द्वारा पब्लिश्ड एक नई मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक कई बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कैटेगरीज, प्रोडक्ट टाइप्स, एप्लीकेशंस और ज्योग्राफीज द्वारा इन डेप्थ सेगमेंटेशन और मार्केट साइज डेटा शामिल है। रिपोर्ट में की इश्यूज, ट्रेंड्स और ड्राइवर्स, रिस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस कंपेटिटिव लैंडस्केप्स के साथ साथ हाल की घटनाओं जैसे मार्केट में M&A एक्टिविटीज का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस भी शामिल है। ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डेटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया जाता है, जिससे ये ज्यादा सिक्योर और एफिशिएंट हो जाता है। ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी अनुमति देता है, क्योंकि सभी डेटा एक पब्लिक लेजर में स्टोर होते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर पेरी वॉर्जियो ने सोमवार को कहा कि इसकी प्लान डिजिटल रुपया करेंसी का इस्तेमाल भविष्य में मेटावर्स में प्रोडक्ट्स खरीदने का है। बैंक इंडोनेशिया ने पिछले हफ्ते अपने डिजिटल रुपया के लिए डिजाइन लॉन्च किया। दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक्स के बाद सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज डेवलप कर रहे हैं। पेरी ने कहा कि डिजिटल करेंसीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक्सचेंज रेट और इसके ऑपरेशनल सुपरविजन पर सेंट्रल बैंक्स के बीच एक अग्रीमेंट होगा, जिसमें साइबर रिस्क और कैपिटल फ्लो शामिल है। BI होलसेल CBDC से शुरू होकर मॉनेटरी ऑपरेशंस और मनी मार्केट के लिए डिजिटल रुपया के बिजनेस मॉडल के डेवलपमेंट और इवेंचुअली एवरीडे यूज के लिए एक रिटेल CBDC के डेवलपमेंट के लिए डिजिटल रुपया को स्टेजेस में रोल आउट करेगा। वहीं दूसरी खबर में NFTs मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के अवतार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले कई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। रेडिट के NFT कलेक्शन ने 3 दिसंबर को नए रिकॉर्ड के साथ एक और माइलस्टोन हासिल किया, जिसमें एक दिन में 255,000 अवतार मिंट किए गए। नए मिंटिंग रिकॉर्ड ने 31 अगस्त को पिछले ऑल टाइम हाईज को पीछे छोड़ दिया, जिसमें देखा गया कि तभी हर दिन 200,000 से ज्यादा रेडिट अवतार्स मिंट हुआ करते थे। ओवर टू यू संदीप। टेक महिंद्रा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग के साथ एक बिजनेस री इंजीनियरिंग सेवाओं में अग्रणी प्रदाता है। आपको बता दें कि डिजिटल इकोनॉमी प्रमोशन एजेंसी यानी DEPA एक सरकारी एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ थाईलैंड के तहत डिजिटल इंडस्ट्री को विकास को बढ़ावा देती है। उन्होंने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए देश भर में इनोवेशन और नेशन वाइड डिजिटल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का पता लगाने और थाईलैंड में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी लाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पार्टनरशिप के एक हिस्से के रूप में दोनों संगठन इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को डेवलप करेंगे और स्मार्ट सिटीज, टेलीकॉम सहित अलग इंडस्ट्रीज के लिए IoT, AI, 5G, एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन और मेटावर्स के क्षेत्रों में प्रोफेशनली वायबल प्रोजेक्ट्स और इंटरप्राइजेस के केसेस का दूसरों के बीच में इस्तेमाल करेंगे। वही दूसरी खबर महाराष्ट्र के पुणे जिले से है। पुणे के शिवाजी नगर पुलिस एक प्रमुख रियल्टी फर्म द्वारा एक शिकायत की जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कंपनी के चेयरमैन को 3 अलग अलग IDs पर एक ईमेल भेजा था, जिसमें धमकी दी गई थी वो 60 bitcoins पे करे, नहीं तो चेयरमैन के कुछ निजी तस्वीरें को पब्लिक कर दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने कहा कि हालांकि क्रिप्टो करेंसी की दरें गतिशील और स्थिर है, लेकिन इस मामले में फिरौती की मांग करीब 14 लाख रुपए की है। बता दें कि ईमेल फर्म की 27 वर्षीय एडमिनिस्ट्रेशन हेड महिला के डेस्क पर प्राप्त हुआ, जो चेयरमैन के तीनों ईमेल IDs को संभालती है।
ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। वेब थ्री से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 टीवी।